आप अपने जो कलम से 60 आदमी को बोलते हैं प्रोत्साहन राशि दीजिए इंक्लूडिंग में, अकाउंट नंबर भेजते हैं, सवाल का जवाब आप कहते कोर्ट में देंगे, सदन में नहीं देते। पिछला समय का बोल रहे हैं, आपको मनमानी मिल चुकी है राज्य सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग को आप हाँक के चला रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे नियम कानून ताक पे रख दिए हैं। इतने हम बलशाली हैं या इतने हम क्रूर आदमी हैं, इतने सरल सहज सबसे मिलनसार कभी हमको देखा है आज तक तनाव में? हंसते हुए मिलते हैं, हंसते हुए बात करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। लेकिन सदन है, सदन में तो जवाब देना होगा, सरकार के पक्ष में मजबूती से बात करनी होगी। यदि बात सरकार युवाओं की सरकार है, मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो हमने मजबूती से अपनी बात रखी है, इसमें बुरा क्या है? तो बोले जुलाई का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सदन में? अरे भाई, जो सदन की बात है सदन में किया है, जवाब दे रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं, कहाँ जवाब नहीं दिया? बिना जवाब दिए, बिना जवाब दिए इतना कैमरा आप लोग लगा देते? आपने कहा हम डरेंगे नहीं, तक आप कह रहे थे हम पिछड़े का बेटा डरा रहते हैं, आज आपने कहा सरयू राय को कि हम डरने वाले नहीं है आपके जैसा सवाल से। अब आपसे डरेंगे नहीं, अब आप लोग मतलब कोई एक ऐसा खाली बागे है का कोई कि खाली एक ही आदमी का नाम हुआ? कितना 11 गो आदमी ये किया, मतलब समरी लाल दलित का बेटा, कमजोर वर्ग का बेटा, उसका नाम ही नहीं बोलेगा प्रेस वाला? वो कितना अच्छे से क्वेश्चन किए हैं, उनका नाम भी बोलिए। तो कह दिया कि कंपाउंडर का डिग्री नया स्वास्थ्य मंत्री बने हुए। अरे तो अच्छा ना है, क्या दिक्कत है? यदि मैं चिकित्सकों के लिए कंपाउंडर की भूमिका में खड़ा होकर अपने चिकित्सकों को मदद करूं तो इससे बढ़िया क्या होगा? बढ़िया चीज है। सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते आप? देंगे कोर्ट में। अच्छा एक और सवाल, आपका एम्बुलेंस सड़ा हुआ है, स्ट्रेचर है तो आदमी नहीं है आपके पास, जितना पर्याप्त डॉक्टर होना चाहिए वो नहीं, बोला कॉटन तक का पैसा नहीं रहता आपके विभाग में। देखिए, जो हमको कहना था सदन में हमने कह दिया है, और आप सदन की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, इसलिए कहीं कोई इब्बत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से चल रही है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये जनता ने देखा। हमने थोड़ी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार थी डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार में सब जो है नदी में बह रहे थे, कोविड में सब जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बिना दहर खोए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है। वो कह रहे थे कि राजधर्म, राजधर्म की भाषा बोल रहे थे, अरे राजधर्म तो श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के प्रधानमंत्री जी को कहा था कि जब गुजरात में दंगा फसाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भाई राजधर्म का पालन करो, तो कहाँ पालन किए, अभी राजधर्म का दुहाई हमको दे रहे हैं। फिर बोलते हैं वेंटिलेटर, अरे वेंटिलेटर बनाया कौन, साइकिल जो बनाता है वो वेंटिलेटर बना दिया। अब आप बताइए कि वेंटिलेटर बनाने वाला आदमी वो वेंटिलेटर अप डाउन करा, कभी कभी देखे ऐसा बल्ब को उसमें ये रहता नहीं नहीं भागभुक क्यों करता मालूम है? फ्यूज जब गड़बड़ हो जाता है अर्थिंग, तो हवा आता है तो अर्थिंग चिपकता है तो जोर से बल्ब जलता है, अर्थिंग हट जाता तो बुझ जाता, तो भागभुक वाला को हम किसी का जान नहीं ना लेंगे। जो बिल्कुल बिल्कुल केंद्र सरकार का वेंटिलेटर, जब ट्रामा के जो चीफ हैं वहाँ के प्रधान हैं भट्टाचार्य जी ने प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कह दिया कि ये वेंटिलेटर जो है फ्लक्चुएट करता है, ये आदमी का जान के लिए सुरक्षित नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? अब एक माननीय विधायक कहता है कि साहब गोली नहीं निकल रही है। अरे भाई गोली, आप डॉक्टर नहीं ना हैं? डॉक्टर जो है वही ना बताएगा, मान लीजिए गोली निकालने में किसी की जान चली जाएगी और डॉक्टर कह रहा नहीं अभी स्टेबल है, इसको रोक के हम थोड़ा ठीक होने के बाद ही ऑपरेशन करेंगे, तो चिकित्सक का काम चिकित्सक को करने दीजिए। अरे भाई कैसे भेज देंगे जब तक, अरे पांडे जी आप लोग जो हैं भाजपा माइंडेड लोग हैं, आप लोग ये सब फालतू बात करते हैं। चलिए www.thefollowup.in